हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग के नए अंदाज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्बन आर्क वेल्डिंग के बारे में। कार्बन आर्क वेल्डिंग एक आर्क वेल्डिंग का एक क्लासिफिकेशन होता है, क्योंकि इसमें कार्बन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको कार्बन आर्क वेल्डिंग का नाम दिया गया है। सबसे पहले इसकी जानते हैं कि कार्बन आर्क वेल्डिंग करते कैसे हैं, कैसे क्या होता है कार्बन आर्क वेल्डिंग। कार्बन आर्क वेल्डिंग में कार्बन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में आर्क प्रोड्यूस की जाती है। आर्क किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। आर्क प्रोड्यूस करने से जो हीट होगा उसे मैटर पिघलता है और उससे फ्यूज होके फ्यूजन से हमारा जो ज्वाइंट होता है वो स्थापित होता है। फिलर मेटल में भी यूज एज पर जॉब थिकनेस। अगर फिलर मेटल का भी यूज किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। अब पतला अगर सीट है उसको वेल्डिंग करना है तो उसमें फिलर मेटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर मोटा थिकनेस का अगर प्लेट है उसको ज्वाइन करना है तो उसमें फिलर मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। वेल्डिंग में भी कैरिड आउट इन द एयर विथ फ्लक्स आर एन एटमोसफियर। देखिए, ये जो वेल्डिंग होता है वो एयर में भी किया जा सकता है और इनर्ट गैसेस में भी किया जा सकता है। एयर में अगर हम इस वेल्डिंग को करते हैं तो ये वहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा जहाँ पे वेल्डिंग की स्ट्रेंथ मायने नहीं रखती हो। यानी एयर के साथ अगर वेल्डिंग होता है तो क्या होगा, फ्यूजन के दौरान क्या होगा, उसमें ऑक्साइड आ जाती हैं जिसकी वजह से हमारा जो ज्वाइंट होता है वो उतना मजबूत नहीं होता है जितना मजबूत होना चाहिए। यानी अगर हम उसको एटमोसफियर यानी इनर्ट एटमोसफियर में करते हैं तो एटमोसफियर एयर का जो कांटेक्ट होगा उस फ्यूजन के टाइम पे नहीं होगा, जिसकी वजह से उसमें ऑक्साइड नहीं भरेगा और हमारा जो ज्वाइंट होगा वो काफ़ी मजबूत होगा। कार्बन आर्क वेल्डिंग में भी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, दो पार्ट में इसको क्लासिफाई किया गया है, एक सिंगल कार्बन इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग और डबल कार्बन इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग। इसको डायग्राम को थोड़ा समझते हैं। देखिए, सिंगल कार्बन इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग, इसमें डीसी सप्लाई दिया गया है। पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है उसको जॉब के साथ कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल जो है ये कार्बन इलेक्ट्रोड को के साथ कनेक्ट करते हैं। अभी पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिफाइन होता है, क्यों पॉजिटिव और इसको नेगेटिव के साथ करते हैं? देखिए, पॉजिटिव के साथ अगर हम वर्कपीस को कनेक्ट करते हैं तो वर्कपीस में ज़्यादा हीट जनरेट होगा, इसकी वजह से वर्कपीस ज़्यादा तेज़ी से पिघलेगा। ठीक है, इसको हम लोग स्ट्रेट पोलैरिटी बोलते हैं। आप लोगों को पता होगा पोलैरिटी जो होता है तो होता है एक स्ट्रेट पोलैरिटी होता है, एक रिवर्स पोलैरिटी होता है। स्ट्रेट पोलैरिटी में पॉजिटिव टर्मिनल को जॉब के साथ यानी वर्कपीस के साथ ज्वाइंट किया जाता है। अब इससे क्या होगा, 66% हीट जो होगा ये जॉब में यानी वर्कपीस में प्रोड्यूस होगा। और अगर रिवर्स पोलैरिटी में क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल को इलेक्ट्रोड होल्डर में कनेक्ट करते हैं। अब इससे क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो ज़्यादा तेज़ी से मेल्ट होता है, यानी 66% हीट इज प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रोड। दैट्स वाई हमको जहाँ पे भी जरूरत होती है, जिसको ज़्यादा पिघलाने की जरूरत होती है, वो हिसाब से हम लोग स्टेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी चूज करते हैं। दूसरा है डबल कार्बन इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग। इसमें सेम ही होता है प्रोसीजर इसमें, लेकिन इसमें एसी पावर सप्लाई का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें दो इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया गया और इससे हमारा जब हम वर्कपीस के साथ में इसको टच करते हैं, कनेक्ट करते हैं, बिल्कुल टच नहीं करेंगे, थोड़ा सा बीच में गैप रखते हैं, जैसे ही टच करेंगे तो क्या होगा, हमारा सर्किट पूरा होता है। सर्किट पूरा होने के पे क्या होता है, बीच का जो एयर होता है, बिल्कुल थोड़ा सा गैप रखते हैं बीच में, जो बीच का एयर होता है वो आयनाइज हो जाता है, आयनाइज होकर हीट में कन्वर्ट हो जाता है और फ्लेम में कन्वर्ट हो जाता है। फ्लेम जो होता है उसका टेम्परेचर 3300 डिग्री तक पहुँच जाता है, जिसकी वजह से मेटल को तुरंत पिघला देता है और उसके द्वारा फ्यूजन के द्वारा हमारा ज्वाइंट स्थापित हो जाता है। इसमें जो एसेसरीज इस्तेमाल की जाती है यानी कौन कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल किया जाता है, तो देखिए पावर सोर्सेज होल्डर, होल्डर मतलब इलेक्ट्रोड होल्डर, कॉपर कोटेड नॉन कंज्यूमेबल कार्बन या फिर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है। फिलर मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो थिकनेस के अकॉर्डिंग होता है, अगर मोटा थिकनेस है तो फिलर मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा, पतला थिकनेस है तो फिलर मटेरियल की इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके फायदे क्या है, एडवांटेज की बात की जाए तो इजीली मैकेनाइज्ड, लेस वेल्डिंग कॉस्ट काफ़ी कम होती है, सिंपल इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट काफ़ी सिंपल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। डिसएडवांटेज की बीच बात की जाए तो पॉसिबल टू ट्रांसफर कार्बन फ्रॉम इलेक्ट्रोड टू वेल्ड मेटल। देखिए, ये कार्बन इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है,
तो जरूरत होती ये होता है पॉसिबिलिटी कि जो इसमें का कार्बन है वो जो बेस मेटल है यानी वेल्ड मेटल के साथ ज्वाइन करके क्या बनाता है, कार्बाइड बना देता है। तो जहाँ पे कार्बन आर्क वेल्डिंग का इस्तेमाल हम वही करेंगे जहाँ पे हमारा वेल्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो मैटर नहीं करता, या फिर हम इसका इस्तेमाल वहाँ करेंगे जहाँ पे हमको कार्बाइड की आवश्यकता होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, कार्बन आर्क वेल्डिंग करेंगे तो कार्बन उसका वेल्ड मेटल में के साथ रिएक्ट करके कार्बाइड बनाएगा, तो वहाँ पे हमको कार्बाइड की जो फील फील जो हमको चाहिए वो हमको वहाँ पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। अगर वैसा ज़रूरत नहीं है तो ये एक डिसएडवांटेज के फॉर्म में होगा। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, एल्यूमिनियम, निकिल, कॉपर एंड नंबर ऑफ अदर एलॉयज, इट कैन बी यूज फॉर ब्रेजिंग, प्री हीटिंग, पोस्ट हीटिंग ऑफ वेल्ड ज्वाइंट, रिंग ऑफ कास्टिंग एंड मच मोर एप्लीकेशन। बहुत सारे एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जाता है, प्री हीटिंग में, पोस्ट हीटिंग, वेल्डिंग ज्वाइंट्स में, कास्टिंग कैरियरिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों कार्बन आर्क वेल्डिंग के बारे में आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत।